कौन सा शेर चाहिए यार, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कौन सा चाहिए बताओ ना यार। सकते हैं काइली, हुडा, सबको आप पीछे छोड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी डियर बाजी और आपके लिए एक लेकर आई हूं बहुत अमेजिंग सा हैक और बहुत छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बहुत काम की चीज़ बताने वाली हूं। चले जी चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको बनाना बताऊँगी कि इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या। ये एक लिप बाम यहाँ पर मैंने लिया, आप लोग चाहे तो वैसलिन भी ले सकते हैं, जो आप अडियों पर लगाते हैं ना वो वाली, लेकिन वो मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने ये होंठों पर लगाने वाली लिप बाम लिया है। ठीक है, ये वाली है, देखो ये वाली है, यहाँ आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैं आपको शिमर शेड में भी लिप ग्लोजेस बनाना बताऊँगी। एक ये कलर है मेरे पास गोल्डन मैजिक फ्लाई और एक है यहाँ पे वेलवेट ग्रीन कलर। ठीक है, ये दोनों बहुत प्यारे कलर हैं, गोल्डन सा, ग्रीन सा, ये रेनबो सा कलर आता है इसका। ठीक है, चले जी। और ये है मेरे पास रिवाज की ब्यूटी बीट्स, इसमें डिफरेंट कलर्स है। ठीक है, इनमें से भी मैं आपको बनाना बताऊँगी। और ये लिक्विड कलर्स थे मेरे पास पहले से ही, इनका भी बताऊंगी ओके। अच्छा, और ये वाले कलर्स भी है। ठीक है, इनमें से एक एक कलर मैं आपको सारा बनाना बताऊंगी। ठीक है, चलिए जी, अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वैसलीन या फिर लिप बाम जो भी हो उसको थोड़ी सी क्वांटिटी, इतनी सी बस लगाऊंगी। ये देख सकते हो, ये देखो इतनी सी क्वांटिटी लगाई है। सही, इसको मैं एक प्लेट में, और फिर यहाँ से दूसरा ब्रश यहाँ पे गोल्डन वाला शेड हल्का सा लूँगी, बिल्कुल इतना लग जाए, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत किया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ये देखें आप इसको जितना मर्ज़ी ब्लेंड कर लो। सही, ये हो गया हमारा गोल्डन शेड। अब आपको नेक्स्ट शेड बनाना बताती हूँ। फिर से दोबारा से ये इतनी सी वैसलीन ली, इसको थोड़ा सा हाथ पे लगा लिया यूँ, और दूसरे ब्रश के साथ इसमें मैंने ये ग्रीन सा कलर है वो लेके वो लगा लिया। ठीक है, अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें आप, ये बन गया हमारा एक खूबसूरत सा लिप ग्लोस। दोनों शिमरी शेड्स हैं। इसी तरह आप कोई भी आपके पास शिमर शेड्स पड़े हुए हैं उसको वैसलीन में मिक्स करके अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने बेसिक शेड्स की तरफ चलते हैं। तो इनमें से कौन सा कलर बनाऊं? हाँ जी, हम ये वाला डार्क पिंक सा कलर बनाते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमने करना क्या, ये फ्लैट ब्रश से मैंने थोड़ा सा कलर ले लेना है अपनी आई पैलेट में से। ठीक है, ये थोड़ा सा ले लिया हमने कलर, और इसको बंद करते हैं और इसको यहाँ पे हाथ पे लगाते हैं। ये देखें, ये कलर लग गया। अब करना क्या है, हमने वैसलीन ले लेनी है, और ये इतनी सी क्वांटिटी ही मैंने इसके ऊपर लगाऊंगी। और ये देखें, ये कितना प्यारा पिंक बन गया। ये ना ज़्यादा चिपचिप करते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, और जो है ना ये क्रीज भी नहीं छोड़ते, इसका ये फ़ायदा है। ये देखिए पिंक सा कलर आ गया, ये बहुत बेहतरीन ग्लोज है और इसका ट्रेंड भी बहुत है। ठीक है, आप चाहो इसमें गोल्डन कलर मिक्स कर लो, वो ग्लोजी और स्पार्कलिंग सा एक कलर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट बेसिक सा कलर हम लोग देखते हैं कौन सा बनाएं। हाँ जी, तो हम बनाते हैं पर्पल कलर बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रश के ऊपर इसको ऐसे लगाती हूँ। ठीक हो गया, ये लग गया। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने हल्का सा कलर लगा लिया इतना सा, और यहाँ पे ये इतना सा वैसलीन, और इसको मिक्स करो। और ये देखें, ये कितना बेहतरीन किस्म का हमारा ग्लोज बन गया। ठीक है, ये बना के रख लो, या फिर फौरन जाते जाते आई शेड लगाओ, ऊपर ग्लिसरीन लगाओ, या कुछ भी लगा लो वैसलीन, तो बेहतरीन से आपके लिप ग्लोज बन जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अपनी बाजी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आपके साथ शेयर कर सकूँ। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।